अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी हमेशा से छात्रों के हित में कार्य करता आ रहा है और छात्रों के तरफ से कई सवाल एबीवीपी की ओर से यूनिवर्सिटी प्रशासन पर उठाए जाते हैं। ऐसे में 23 जुलाई 2021 को एबीवीपी के कार्यकरों की ओर से यूनिवर्सिटी में अर्जी दी गई थी और आरटीआई के तहत सेनेट सिंडिकेट बैठक के दौरान और साथ ही बीते एक साल के दौरान यूनिवर्सिटी में जो भी कार्य करवाए गए हैं उसके मामले में जानकारी मांगी गई थी। हालांकि यूनिवर्सिटी की ओर से बीते 3 महीनों से इस अर्जी का कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। एबीवीपी को अभी तक उनकी अर्जी के सामने कोई भी जानकारी नहीं मिली है, जिसके चलते आज एबीवीपी के कार्यकर यूनिवर्सिटी की हेड ऑफिस पर पहुंचे और वहां पर उनकी ओर से हंगामा मचाते हुए उन्हें जवाब देने की मांग की गई, जिसके सामने रजिस्ट्रार KM चुड़ासमा ने यह बताया है कि जैसे ही उनके पास जानकारी आएगी यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से एबीवीपी को ये जानकारी मुहैया करवाई जाएगी। तेवीस जुलाई 2021 रोज विद्यार्थी परिषद द्वारा राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 एक्ट हेठ अर्जी करवामां आवी हती के सेनेट सिंडिकेटनी बैठकों दरमियान तेमज छेल्ला एक वर्ष में यूनिवर्सिटी में थयेला कार्यक्रमों दरमियान केटरिंगनो अने फरासखानानो कॉन्ट्राक्ट कोने आपवामां आवे छे ए बाबतने लईने आजे 3 महीना उपरनो समय थई गयो छे, परंतु यूनिवर्सिटी तरफथी कोई माहिती आपवामां आवी नथी, कोई खुलासो करवामां आव्यो नथी। ज्यारे पण अमे आ वात लईने आवे त्यारे अलग अलग बहानाओ थकी अमने लोकोने पाछळ ધકેલવામાં આવે છે કે આજે રજા પર છે સાહેબ, દિવાળીનું કામ છે, કોરોના આવી ગયો છે જેવા વિવિધ બહાનાઓ આપવામાં આવતા હોય છે, પરંતુ આજે વિદ્યાર્થી પરિષદ એનો ઉગ્ર વિરોધ કરવા માટે હેડ ઓફિસ ખાતે આવી ગયું છે અને વીસી સાહેબને બોલાવવાની માંગ કરે છે, પરંતુ વીસી સાહેબ હાજર નથી। આજે અમે વીસી સાહેબને આવેદન આપ્યા વગર જવાના નથી। વિદ્યાર્થી મિત્રો આવ્યા છે એમની રજૂઆત કરવા માટે MS યુનિવર્સિટીની અંદર જે કોઈ પણ સેનેટ સિન્ડિકેટની બેઠકો થાય છે ત્યારે હોસ્પિટાલિટીના ભાગરૂપે જે કોઈ પણ અરેન્જમેન્ટ કરવાની આવતી હોય છે તેની RTI કરી અને વિદ્યાર્થીઓ મિત્ર માહિતી મેળવવા માગે છે। જે તે ઇવેન્ટ છે, સિન્ડિકેટ મિટિંગ હોય કે સેનેટ મિટિંગ હોય, એ જે તે સેક્શનના પરવ્યુમાં આવે છે અને જે કંઈ પણ અરેન્જમેન્ટ થતી હોય છે તેના અંડરમાં એ જે તે સેક્શન કરતું હોય છે, વિદ્યાર્થીઓને એ માહિતી ટૂંક જ સમયમાં મળી જાય એ માટે થઈ અને તમામ સેક્શન જોડે સંકલન કરી નાખેલું છે અને તમામ માહિતી એકત્રિત થઈ તરત જ વિદ્યાર્થીઓને એ માહિતી આપવામાં આવશે। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।